बिसमिल्ल रन रही हाउ आर यू ऑल आई होपू बी फाइन इट्स एंड अबाउटिको लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले प्रोडिकेशन देख लेते हैं कि प्रियोडिकेबल होता क्या है सो प्रियोडिकेबल बेसिकली एक टेबल है जो ये आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है किस तरह से एलिमेंट्स को रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर यानी कि हम जिस सीक्वेंस से उनके ऑटोमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना इन एलिमेंट्स के उसी सीक्वेंस में हमने इन्हें इस टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है और अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है वो नोन है यानी कि साइंटिस्ट जो है वो 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर चुके हैं अभी तक सो so, इन सारे एलिमेंट्स को हमने इस टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑटोमिक नंबर कि जिस तरह से उनका ऑटोमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इन्हें इस टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया है और इस टेबल को कहते हैं पेडिक टेबल प्रियोडिक टेबल बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करता है इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द प्रियोडिक बिहेवियर ऑफ़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। यानी कि ये टेबल हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं एलिमेंट्स की किस तरह से इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज ना आपस में रिजेंबल करती हैं ठीक है वो किस तरह से करती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन करती हूँ और उसके अलावा हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल अब प्रियोडिक टेबल में बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना वो दो हैं ठीक है एक है ग्रुप्स और एक है पीरियड्स पहले हम इस ग्रुप्स को स्टडी करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल कॉलम्स कार ग्रुप्स इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी चीज़ इस सीक्वेंस में होगी ना ठीक है इस सीक्वेंस में उसको हम कहेंगे ये क्या है वर्टिकल है और जो भी चीज़ इस सीक्वेंस में होगी उसको हम क्या कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल है ठीक है बेसिकली जो एक्स एक्सिस होता है ना वो हॉरिजॉन्टल वाला होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल वाला होता है ठीक है so, सो उसके डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स यानी कि इन वर्टिकल कॉलम्स में हम एलिमेंट्स को रखते हैं कैसे एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं उन एलिमेंट्स को हम इन वर्टिकल कॉलम्स में रखते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं यानी कि वर्टिकल कॉलम्स को प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं हम उन सबको क्या कहेंगे ग्रुप्स कहेंगे ठीक है एट ग्रुप्स ठीक है यानी कि ग्रुप्स कितने हैं टेबल के अंदर टोटल एट ग्रुप्स हैं ग्रुप टेबल के अंदर जि, जिन्हें हम इन रोमन से जो है वो डिनोट करते हैं ठीक है या नंबर हम उनको इस तरह से देते हैं जैसे रोमन में वन टू एट का कि उसमें प्रोडक्ट टेबल के अंदर एट ग्रुप्स हैं टोटल अब नेक्स्ट पॉइंट में है एट ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू टू सब ग्रुप्स कि हर एक ग्रुप है जो उसको हमने दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप यानी कि एट ग्रुप्स है ना और हर एक ग्रुप को यानी कि फर्स्ट ग्रुप को भी सेकंड थर्ड फोर्थ फिर अगर फिफ्थ ग्रुप को फिर एट ग्रुप को यानी कि सारे ग्रुप्स को हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है अगर फर्स्ट ग्रुप है ना तो उसका भी उसके भी दो सब ग्रुप है एक फर्स्ट ए सब ग्रुप फर्स्ट बी सब ग्रुप अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात करें तो उसके भी दो सब ग्रुप हैं फोर ए और फोर बी ठीक है

अब बी सब ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स तो एलिमेंट आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं ट्रांसिजन एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो प्रोडक्टिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में होते हैं ठीक है वो मैं आपको प्रोडिक टेबल से बताती हूँ ठीक है सो हमने अभी तक देखा है ग्रुप्स को कि वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं प्रोडिक टेबल के अंदर टोटल एट ग्रुप्स हैं जिनको हम इस तरह से नंबर करते हैं हर एक ग्रुप को हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप ए सब ग्रुप के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बी सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते होते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हैं अब यह है पीरियोडिक टेबल अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हेल्प से सो हमने ग्रुप्स की क्या बात की जो वर्टिकल कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं ग्रुप्स अब सबसे पहला कॉलम देखें ये वर्टिकल कॉलम है ना ये ये वाला तो ये क्या है एक ग्रुप है ठीक है उसके बाद ये कॉलम है एक ये भी क्या है एक ग्रुप है उसके बाद एक ये कॉलम है ये क्या है ग्रुप है उसके बाद ये भी क्या है ये वर्टिकल कॉलम एक ग्रुप है यहाँ पे भी देखें तो ये वर्टिकल कॉलम क्या है एक ग्रुप है सो बेसिकली ग्रुप्स क्या होते हैं वर्टिकल कॉलम्स होते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर जिनमें सिमिलर जिनमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं यानी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होंगी मिलती जुलती होंगी ठीक है दूसरा पॉइंट हमने देख लिया कि टोटल कितने ग्रुप्स हैं एट ग्रुप्स हैं टोटल एट ग्रुप्स हैं अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कई सारे नजर आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमने बात की थी कि हमने हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अब देखें फर्स्ट ग्रुप की मैंने बात की थी फर्स्ट ग्रुप है ना वन ठीक है उसको हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया ना तो उसका वन ए पार्ट भी होगा और वन बी भी होगा तब वो जाके ग्रुप कंप्लीट होगा क्योंकि हमने हर ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है तो अब देखें ये ऊपर लिखा हुआ है मेंशन है वन ए यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का ए सब ग्रुप है अब दूसरा कौन सा होना चाहिए वन बी यानी कि पहले ग्रुप का बी सब ग्रुप तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला ठीक है ऊपर मेंशन है वन बी ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप अब सेकंड ग्रुप किस तरह से होना चाहिए वो होना चाहिए टू ए एंड टू बी उस तो इस वन ए के साथ है टू ए ये टू ए है और टू बी कहाँ पे है वो ये प्रेजेंट है ठीक है उसके बाद आ जाना चाहिए थर्ड थ्री ए थर्ड ग्रुप का ए सब ग्रुप तो वो ये यहाँ पे मेंशन पे है इसके साथ थ्री ए ये है और थ्री बी जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्ट में थ्री बी अब होना चाहिए फोर ए तो फोर ए यहाँ पे है और फोर बी जो है वो यहाँ पे है उसके बाद फाइव ए ये वाला ग्रुप है हमारा और इसका बी सब ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट है फाइव बी उसके बाद सिक्स ए सिक्स बी सेवन ए यहाँ पे सेवन बी आ जाता है और ये लास्ट जो है ये है एट ए और एट बी जो है ना वो बेसिकली ये तीन ग्रुप्स इकट्ठे ही एट बी के अंदर आते हैं ठीक है सो so, हमने नेक्स्ट पॉइंट देख लिया कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स है ना वो ए सब ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है यानी कि जो ए सब ग्रुप दो ग्रुप यहाँ पे है ए के और उसके बाद दूसरे यहाँ पे हैं ठीक है तो ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं दो इस ग्रुप में और बाकी जो है वो यहाँ पे सिक्स यहाँ पे हैं ठीक है सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बी में यानी कि बी सब ग्रुप में जो कि बी ये बनता है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने आपको बताया तो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो ये बी सब ग्रुप वाले हैं सारे आप देखें इन पे बी मेंशन है ये थ्री बी है ये फोर बी है ये फाइव बी है सिक्स बी सेवन बी उसके बाद ये तीनों आ जाते हैं एट बी में ये फिर वन बी है ये टू बी है सो so ये सारे बी वाले कौन से हैं ट्रांसिटल एलिमेंट्स और ए में कौन से हैं नॉर्मल एलिमेंट्स सो आई होप आपको ग्रुप्स वाला पॉइंट जो है ना वो क्लियर है अब अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ नेक्स्ट हमारा है पीरियड्स मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि हम प्रोडिक टेबल के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एक है ग्रुप्स दूसरा है पीरियड्स ग्रुप्स हमने डिस्कस कर लिए नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस पीरियड्स सो इसकी डेफिनेशन क्या है द होरिजोंटल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स ये हरिजोंटल रोज है ना उन्हें हम क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं है. हमको बताया है कि वर्टिकल इस सीक्वेंस में होता है और होरिजोनटल इस सीक्वेंस में होता है तो जो इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगी ना एलिमेंट्स इस सीक्वेंस में वो क्या कहलाएंगे पीरियड्स कहलाएंगे अब सेकेंड पॉइंट है सेवन पीरियड्स हैं ठीक है पिरोडिक टेबल के अंदर एट ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं सेवन पीरियड्स हैं और उनको हम इसी तरह से जो है नंबर करते हैं वन टू सेवन अब पीरियडिक टेबल से मैं आपको पीरियड्स को एक्सप्लेन करती हूँ अब देखें हॉरिजॉन्टल की बात हुई थी कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको कहते हैं पीरियड्स तो पहला जो पीरियड है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है इस हाइड्रोजन से और ये फर्स्ट पीरियड है ए यहाँ तक ठीक है तो यानी कि इस फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं दो ही हैं सिर्फ ये हाइड्रोजन और इसके बिल्कुल सीक्वेंस में यहाँ पे हीलियम तो ये है हमारा फर्स्ट पीरियड ठीक है फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट्स होते हैं जो आपने देख भी लिए हैं एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है यहाँ पे इसके सीक्वेंस में हीलियम सो तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं टोटल हमने बात की सेवन पीरियड्स होते हैं यहाँ पे नंबर किया हुआ है आप देख सकते हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस की इस सीक्वेंस में क्या कहते हैं इनको पीरियड्स कहते हैं अब बात करते हैं सेकेंड पीरियड की हम सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं हमेशा, क्यूं? क्यूं बात करेंगे ना uh, तो थर्ड वाले में भी एट ही एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं चेंज हैं लेकिन फर्स्ट में भी यानी कि सेकेंड वाले में भी एट हैं और थर्ड वाले में भी एट हैं एट हैं। किस तरह से आप काउंट कर सकते हैं वन टू इसके सीक्वेंस में आगे जाएं तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है ये सेकेंड पीरियड है थर्ड पीरियड की बात करें तो उसमें भी वन टू इसके सीक्वेंस में जाएं बिल्कुल सामने तो यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर एट एलिमेंट्स होते हैं यानी कि दोनों के अंदर एट एट एलिमेंट्स हैं तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स इन दोनों को क्या कहा जाता है शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है अब नेक्स्ट बारी आ गई है फोर और फिफ्थ पीरियड की ठीक है अब इन दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि फोर्थ वाले के अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन ठीक है इसी तरह से फिफ्थ पीरियड के अंदर भी एटीन एलिमेंट्स हैं जिसमें से एट नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और टेन जो है ना वो ट्रांसिजन एलिमेंट्स हैं किस तरह से हैं मैं आपको बताती हूँ पहले तो हम ट्रांसिजिन का ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पे ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो समझने में यहाँ से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स और यहां पे एंड होते हैं ठीक है सो हमने बात की कि फोर्थ और फिफ्थ पेड के अंदर एट नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और टेन ट्रांसिजिन एलिमेंट्स हैं ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ब्लॉक वो ब्लॉक है ट्रांसिन एलिमेंट्स का और जो बी वाले हैं ना ग्रुप

और इम्पॉर्टेंट बात है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स ठीक है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ देखें मैंने बात की थी कि प्रॉपर्टीज इनकी रिजेंबल करती हैं किस तरह से करती हैं अब देखें जो लिथियम की प्रॉपर्टी है ना ठीक है अब ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट में भी वही प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होंगी किस तरह से यानी कि लिथियम के बाद अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें एलिमेंट्स के तो एट्थ एलिमेंट की भी वही प्रॉपर्टी होगी जो लिथियम की होगी किस तरह से लिथियम के बाद ये वन है जैसे ये लिथियम अगर वन है ना ये लिथियम की अगर हमें देखनी है कि ये इसकी प्रॉपर्टी सोडियम के साथ जो इसके बाद हम स्टार्ट करें तो एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो लिथियम से मिलती जुलती होगी तो देख लेते हैं वन ये बरोन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट पे कौन सा आ रहा है सोडियम आ रहा है तो यानी कि लिथियम के कुछ प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है अगर हम बेरिलियम की बात करें ये बीई सिंबल है सो so यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो एथ एलिमेंट ये वाला बनता है मैग्नीशियम तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो मिलती जुलती हैं आपस में हमने ग्रुप्स में भी डिस्कस किया था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया है और उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मिलती जुलती हैं ग्रुप्स की डेफिनेशन में हमने देखा था सो so अगर हम इस पोटेशियम uh, की बात करें तो वो भी इस रूबेडियम से उसकी प्रॉपर्टीज मिलती होंगी किस तरह से अगर हम इसकी बात करें ना तो हमने देखना है जो एटीनथ एलिमेंट आएगा इसके बाद ठीक है तो वो काउंट करें आप तो ये सारा यहाँ पे सेवनटीन और ये एटीन बनता है सो so, इस तरह से इनके प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करती हैं अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सिक्स पीरियड की अब इसको भी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है सिक्स को भी और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थर्टी टू एलिमेंट्स आप कहेंगे थर्टी टू कैसे प्रेजेंट होते हैं ये तो ऑलमोस्ट इतने ही शो हो रहे हैं जितने ये वाले ऑलमोस्ट इतने ही शो हो रहे हैं जितने इसमें शो हो रहे थे मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसके अंदर होते हैं बेसिकली एट नॉर्मल एलिमेंट्स जिस तरह से ऊपर वाले में थे टेन ट्रांजिजन एलिमेंट्स जिस तरह फिर फोर्थ और फिफ्थ में हमने देखे लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा कहाँ पे आ जाते हैं वो है फोर्टीन इनर ट्रांसिजिन एलिमेंट्स अब ये इनर ट्रांसिजिन एलिमेंट्स क्या हैं अब अब देखें इसके बाद यहाँ पे स्टार शो हो रहा है और ये वाला स्टार हमें यहाँ पे शो हो रहा है उसके पीछे लिखा हुआ सिक्स यानी कि सिक्स पीरियड के ये वाले एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं उनको उन्होंने अलादा से नीचे मैंशन किया हुआ एक प्रजेंटेबल फॉर्म के लिए

यानी कि इस एलिमेंट के दरमियान में आती हैं तो इनको भी हमने मिलाना है और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले हैं सारे और ये कौन से क्या कहलाएंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस तरह से इनके अंदर थर्टी टू जो है ना एलिमेंट्स आते हैं सिक्स पीरियड के अंदर अगर हम सेवन की बात करें नेक्स्ट सेवन पीरियड की तो इसमें भी इसी तरह से है ये एलिमेंट्स वो वाले और उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स और बाकी जो ये आपको ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना वो यहाँ पे है बेसिकली ठीक है यानी कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे आने थे ना वो आने तो यहाँ पे ही हैं बस उनको इन्होंने मेंशन यहाँ नीचे किया हुआ है सो so, यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट था इसके बाद रेडियम के बाद वो क्या कहलाता है उसको हम कहते हैं एक्टिनियम और उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं तो हमने उस पूरी सीरीज को क्या कह दिया एक्टेनाइट्स ठीक है सो so, इस तरह से इसके अंदर भी एलिमेंट्स इस तरह से कंप्लीट होते हैं सो so, ये था छोटा सा एक लेक्चर ग्रुप्स और पीरियड्स के ऊपर ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप होते हैं और ये एट ग्रुप्स हैं हर एक ग्रुप को हमने दो में डिवाइड किया है उसके बाद हमने देख लिया पीरियड्स तो हॉरिजॉन्टल रोज को हमने पीरियड्स कहा और ये सेवन पीरियड्स हैं टोटल जिसमें से फर्स्ट है जिसमें दो एलिमेंट हैं फिर सेकेंड थर्ड की बात करें तो उनमें एट एलिमेंट आ जाते आ जाते हैं दोनों में उनको शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड्स और उनके अंदर आते हैं एटीन एलिमेंट्स और उसके बाद सिक्स और सेवन की बात करें तो सिक्स में आते हैं थर्टी टू एलिमेंट्स जिसमें से इनर ट्रांसजीनर एलिमेंट्स भी आ जाते हैं जो कि इन्होंने लद्दा से मैंशन किए हुए हैं लेंथ कहते हैं और इन वाले को एक्टिनाइट्स कहते हैं जो कि सेवंथ पीरियड में आते हैं सो so, ये छोटा सा लेक्चर था एक पेरॉडिक टेबल के ऊपर एक इनशाला एक लेक्चर आएगा कि हम पेरॉडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद किस तरह से करें उसके ऊपर भी अब चल अब इनशाला मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अनटिल धैन अलाफ इज एवरी वॉर्न एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ